डिप्टी कमिश्नर्स कोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा गुरुवार को मंडल के नए आयुक्त रवि कुमार एनजी को आयुक्त सभागार में बुके देकर सम्मानित किया गया, जिसके संबंध में एसोसिएशन के अध्यक्ष शैलेश मिश्रा ने बताया कि कमिश्नरी की परंपरा के अनुसार मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी को सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि यह परंपरा लगभग 30 वर्षों से चली आ रही है। इससे बार और बेंच में आपसी सामंजस्य स्थापित होता है और मुकदमों के निस्तारण में तेजी आती है, जिसके मद्देनजर द कमिश्नर कोर्ट बार एसोसिएशन के द्वारा नवागत कमिश्नर रवि कुमार एनजी को बुके देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर एसोसिएशन के सदस्य गोलुक नारायण सेवक पांडे, विनोद कुमार सिंह, अखिलेश कुमार श्रीवास्तव सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए द कमिश्नर कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शैलेश मिश्रा ने कहा, जब भी हमारे नए पीठासीन अधिकारी आते हैं तो उनका स्वागत करते हैं और इस बहाने एक दूसरे से परिचय और अपने इतिहास से अवगत करा करके ऐसा हुआ है कि आयोजन आपके आगमन के लगभग 1 महीने बाद यह आयोजन हो पा रहा है, क्योंकि जैसी उपरी परिस्थितियां थी, लेकिन इस बीच भी आपकी संवेदनशीलता से हम लोग अवगत हुए। जिस प्रकार टीकाकरण अभियान के लिए आपने आते ही सहमति दी और एक बहुत वृहद टीकाकरण कैंप आयोजित हुआ, उसके लिए मैं एसोसिएशन की तरफ से आपका धन्यवाद देता हूँ। सर, हमारे एसोसिएशन में सिर्फ स्वागत ही नहीं, सभी पर्व और त्यौहार भी आपके साथ हम लोग मनाते हैं। कमिश्नरी की होली बड़ी मशहूर है, फूलों के साथ, गुलाब के फूलों के साथ हम अपने आयुक्त महोदय के साथ होली खेलते हैं। ईश्वर से यह प्रार्थना है कि आने वाले समय में यह अवसर हम लोग को फिर उपलब्ध हो। सर्वप्रथम मैं बार के मंत्री श्री अजय कुमार श्रीवास्तव जी से आग्रह करूंगा कि वो सभी अपने सदस्यों का और आयुक्त महोदय का स्वागत करें। नवागत नवागत मुख्य अतिथि मंडलायुक्त महोदय श्री रवि कुमार एनजी जी, इस हमारे बार में जो हमारा एक छोटा सा परिवार है श्रीमान, उसमें 90 से 100 सदस्यों की लगभग संख्या है। डी कमिश्नर्स कोर्ट बार एसोसिएशन के सम्मानित सदस्य बहुत से महत्वपूर्ण पदों पर सुशोभित कर चुके हैं। हमारे पूर्व फाउंडर मेंबर स्वर्गीय प्रेम नारायण श्रीवास्तव जी विश्वविद्यालय कार्य परिषद के सदस्य थे, गवर्नर भी थे और इसके साथ साथ कई अन्य महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हो चुके थे। स्वर्गीय रामकृष्ण यादव जी पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य थे, जो हम ही लोगों के बाद के श्रीमान सदस्य थे। श्री पश्चिम प्रताप शुक्ला जी जो वर्तमान समय में राज्यसभा सांसद हैं, पूर्व वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार के, वो भी हम लोगों के बाद के श्रीमान सदस्य हैं। हम लोगों के बीच प्रोफेसर इंदुभूषण श्रीवास्तव जी लगभग 20 वर्षों से बार काउंसिल के इलेक्टेड मेंबर रहे, कार्य परिषद सदस्य रहे और अनेक सम्मानित सदस्य बार के पूर्व अध्यक्ष और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर सुशोभित रहे हैं। उसी के तहत हम श्रीमान कोई भी पीठासीन अधिकारी जब नवागत आते हैं तो उनका स्वागत करते हैं और उसी परंपरा के अनुरूप हम श्रीमान का पुनः बार की तरफ से अपने तरफ से स्वागत। इस बीच हमारे मुखिया और हम सबके बीच की कड़ी हमारे अपर आयुक्त गए श्री अजय कांत सैनी जी और श्री हरिओम शर्मा जी उपस्थित हुए हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि बताया गया कि 50 वर्ष पहले से इस बार का गठन 1972 में सर हमारे बाबू राम वर्मा जी, हम लोग के बड़े भाई, अभिभावक, वरिष्ठ अधिवक्ता, बार के पूर्व अध्यक्ष आयुक्त महोदय को पुष्प दे करके, युवा साथी शिवेंद्र पांडे बार के सबसे नए सदस्य हैं और कार्यकर्ते हैं, श्री रणजीत दुबे जी बार के पूर्व मंत्री उपाध्याय जी, श्री मिठापसा यह कुमार पांडे जी से आग्रह है आपका सम्मान करें। ये गुलाब जो हमारे बार की तरफ से दिया गया और सौंदर्य तीनों का द्योतक है। मन की पीड़ा से गुंजित, मन की पीड़ा से डर गई, ये विदर्शन से मन की कली खिल गई, आपकी इस कृपा के ऋणी हम परम, स्वागतम
एक नई और बहुत ही स्वस्थ परंपरा आयुक्त महोदय द्वारा जिस तरह से सभी को आमंत्रित करके शैलेश कुमार मिश्रा अध्यक्ष दी कमिश्नर स्कूल बार एसोसिएशन गोरखपुर मंडल गोरखपुर जी कमिश्नर महोदय का सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ है कि यह बहुत पुरानी परंपरा है, कोई भी कमिश्नर आता है तो हम लोग पहले उनको सम्मानित करके तभी कोई कार्य प्रारंभ करते हैं और उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू होती है और कोर्ट वगैरह चलती है। यह हमारे यहाँ की परंपरा सन 1972 से चली आ रही है। कौन कौन लोग उपस्थित है? हमारे कोर्ट के सभी बार के सभी सदस्य उपस्थित रहते हैं, इसमें अन्य अधिकारीगण भी उपस्थित यहाँ हैं और पूर्व पदाधिकारीगण, तमाम लोग उपस्थित होकर के और आयुक्त महोदय का स्वागत करते रहते हैं।